देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है साफ तौर से। जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई थी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने पहले से ही उस पर जो है वो जांच बिठा दी है और उस पर गंभीर वो दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस घटना पर जो है वो सरकार गंभीर है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट गंभीर है, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो संसद में हंगामा बरपा रही है और कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये खास दिन है, क्योंकि इस खास दिन जो उनके मन में बसता है, ऐसे में जो एक जिस तरीके से लगातार कोशिश जारी रही और अब जो वो सपना था बीजेपी का वो साकार हो रहा है, तो राम मंदिर का भी जिक्र साक्षात्कार में दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया है और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं, ये जनता की जीत है। और दूसरी तरफ इस पर इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जहां पर भी लड़ाई है, जिस राज्य में भी लड़ाई है, वहां कहीं ना कहीं सीधे जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस अपोजिशन की लड़ाई है। तो ये तमाम चीजों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से एक साक्षात्कार में दिया है जी।